हार्ट सर्जरी इनकी जिंदगी के लिए जरूरी है, मजीद रिस्क नहीं ले सकते। शादीशुदा है वो, इज मैरिड। ना होता तो अच्छा लगने लगा। हमारी रकम भी लौटा दो शेख साहब। हाँ हाँ, आप चले ना, हम चलकर बात करते हैं। बात कोई नहीं होगी मियां, मैं तो पैसे लेकर ही जाऊँ। मैं जानती हूँ तुम मेरी किसी भी बात से इनकार नहीं करोगे, इसलिए कल ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए, तो तुम मेरे साथ लंच करोगी, ठीक है? मैं कैसे? कोई एक्सक्यूज नहीं, कल लंच मेरे साथ, कल आना है तुम्हें। ओके, डन। क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? सुनो, उसने तो मुझे लंच पे ही बुला लिया, कह रही थी अपनी लंबी वाली गाड़ी भेजेगी मुझे पिक करवाएगी। मैं क्या करूं, मुझे तो लग रहा है मैं तो खुशी से फौती हो जाऊंगी। सुनो, क्या पहनूं? मुझे क्या पता, कपड़े पहनो और क्या। मेरे पास तो कोई नए कपड़े भी नहीं है, क्या करूं? मैं देखती हूँ। उल्फत, सुबह से हवा के घोड़े पर सवार घूम रही है, कुछ होश है घर का? नहीं नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। अरे, और ये कमरे का क्या हुलिया बनाया हुआ है? जबान भी मसरूफ है क्या जो जवाब नहीं दे रही? चीज नहीं मिल रही है ना मेरी, जब चाहिए होती तभी नहीं मिलती है। क्या हो गया? मिल गया, शुक्र, नहीं तो वरना यही पहन के जाना पड़ता। जैसे वो तेरे बुद्धे ही देखने के लिए बैठी है ना, समझा करे ना, हमें तो अच्छा दिखना है ना। कोई कैसा भी हो, बताएं कैसी लग रही हो, देखे नए वाले जूते भी पहने। बहुत प्यारे, और तू तो इतनी प्यारी है, तुझे किसी सिंगार पिटार की जरूरत ही नहीं। अल्लाह मेरी कहो। ये मैं कहाँ गई? मैम जी, आइए प्लीज। इंतजार कर रही थी, तकलीफ तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, बहुत आराम से आई हूँ। बहुत अच्छा घर है आपका। मैंने नहीं सजाया, डैडी ने सब कुछ किया। अब मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, यू वांट टू सी? हाँ जरूर। मंसूर क्या हो गया तुम्हें, बैठ क्यों नहीं जाते आराम से? जो तूने मुझे खबर सुनाई है ना, उसके बाद बैठना मुश्किल है। बस
शुरू हो गई तेरी ड्रामेबाजियां। अबे हसमत, अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ कर। इतनी बुरी बात भी नहीं है कि तू सीधा दुआओं पर पहुंच गया। शाहान साहब, जब बीवी और बॉस की दोस्ती परवान चढ़ जाए तो इसका मतलब खतरे वाली बात है। ऐसी दोस्तियां चलती नहीं। मुझे आसार कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही। वैसे ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, इतनी ज्यादा दोस्ती और इतनी जल्दी क्यों? है ना अलार्मिंग बात। देख, फसाना उसे तुझे चाहिए, पर फसा वो भाभी को रही है। ताल में कुछ काला है मेरे भाई। फिर कर देगा मैं बकवास बात। हजार मर्तबा कहे शफा कैसी नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी है? अरे यार, वो तो मासूम है बहुत। She has a very good soul. अच्छा अच्छा अच्छा। और? और हम्बल है, दूसरों के काम आने वाली है। और मजे ले रहा तू? नहीं नहीं, तू इतना डूब कर बता रहा था तो मैंने सोचा कि आप मत सोचें ज्यादा, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आपकी सोचे आपके दिल के लिए, जो किसी और के लिए धड़कने लगी है। इस पूरी दुनिया में ना ऐसा चेहरा नहीं है जो उल्फत की जगह ले सके, याद रख। अबे यार, सॉरी सॉरी बॉस। हब्बा के जो आर्किटेक्ट फ्रेंड है ना, उन्होंने डिजाइन किया था। जैसे ही अंदर आते हैं तो जो सारी विंडोज हैं वो आपको पूल की तरफ और गार्डन की तरफ ले जाती हैं। यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर। बहुत अच्छा। ये कितना हसीन है ना। 2 साल पहले जब मैं इटली गई थी तो मैंने वहां से लिया था। इटली से? हाँ। फिर तो बड़ा महंगा होगा। हाँ, लेकिन पसंद की कोई कीमत भी तो नहीं होती है ना उल्फत। और मैं जिस तरह की हूँ, मुझे कोई चीज अगर बहुत पसंद आ जाए ना तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी दाम चुका सकती हूँ। क्या बात है, बड़े लोगों की बड़ी बातें। क्या देख रही हो? ये सब कितना हसीन है ये। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। बल्कि नहीं, ऐसी चीजें तो मेरे ख्वाब में भी नहीं आ सकती। सच में बहुत खूबसूरत है आपका घर। थैंक यू। लेकिन तुम्हारे घर जितना खूबसूरत नहीं है। वाकई? मुझे लगता है सारे कायनात में वो सबसे खूबसूरत जगह है। मैं सच कह रही हूँ। शबक बीबी, खाना तैयार? चलो खाना खा लेते हैं। नहीं बस, तुम मेरी मेहमान हो और आज वो हर चीज करनी है जो मैं कहूँ। ठीक है? ठीक है, आ जाओ। फिर वही दाल। दादो, मामा कहे उनसे बोले मुझे नूडल्स बना कर दे, मुझे नहीं खानी है दाल। अरे मेरे लाल, वो तो खुद ही खाने पे गई है कहीं। कैसे बुलाऊं उसको, कहां से बुलाऊं? अभी कुछ खा ले थोड़ा सा, जब से स्कूल से आया भूखा प्यासा बैठा। खाना नहीं खाना मुझे, मैंने कहा भी था मुझे नूडल्स खाने, मुझे बना कर दे नूडल्स। तेरी माँ आएगी ना, उससे कर लेना नखा। अब तो खा ले थोड़ा सा। खाना नहीं खाना तो बस नहीं खाना ना मुझे। हादी, हादी, अरे सुन तो सही मेरी बात। उल्फत लो ना, तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। नहीं बस, सच में मेरा पेट भर गया है। आप भी तो कुछ नहीं खा रही? बस मैं तो इतना ही खा सकती हूँ। बस इतना ही? तो इतना कुछ क्यों बनाया है? खाना तो बनना ही था ना। इतना खाना? अब देखिए ना, बच गया सब कुछ। तो नौकर खा लेंगे। यहाँ पर पता नहीं क्या करते हैं। मुराद चाचा को पता है ये चीज़ें, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो चलते हैं। कहाँ? शॉपिंग पे। मैं हमेशा अकेले शॉपिंग करती हूँ, बहुत बोर होती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ करूँगी, चलो। अरे नहीं नहीं, बस अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे घर भी जाना होगा। तो क्या हो गया, चलिए जाना थोड़ी देर में, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूँगी। बल्कि तब तक तो शाहान भी आ जाएंगे ना, वो संभाल लेंगे सब कुछ। अरे नहीं भाई, शाहान खुद को ही संभालने बड़ी बात है। खाला और हादी को कौन देखेगा, अब तो मुझे जाना ही होगा। अरे क्या हो गया, चंद घंटों से कुछ भी नहीं होगा। तुम हर वक्त तो उनके लिए अवेलेबल होती हो ना, अब थोड़ी देर के लिए आ गई तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन शफक, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं दोस्त हूँ, तो दोस्त का इतना तो हक बनता है ना। मुझे बताओ, शाहान वजह है या कोई और वजह है? नहीं, कुछ और वजह तो नहीं है। वो बस मैं सोच रही थी कि अच्छा, अगर शॉपिंग पे जाना था तो मैं शाहान का कार्ड ही ले आती। इतनी सी बात है? अरे मैं हूँ ना,
मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जा रही हूँ तो जाहिर सी बात है पे भी मैं ही करूँगी, और अब अगर तुमने कुछ कहा है ना तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। चाहती हो ना कि मैं नाराज हो जाऊँ, यही चाहती हो ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो सही है, जैसा तुम कहो। ये हुई ना बात, चलो आ जाओ। राज चाचा उल्फत, उल्फत, अरे उल्फत, किसको आवाजें दे रहा है? वो नहीं है यहाँ? नहीं है, तुम कहाँ गई? जी क्या पता, तेरे वो जो है ना बड़ी अफसर तेरी, अब इतनी बड़ी गाड़ी भेजी तो उसमें बैठ के कहीं गई है उसके साथ? हाँ मगर उसे तो लंच पे जाना था। अब मुझे क्या पता लंच पे जाना था या कहीं और जाना था, बस तेरी बीवी यहाँ नहीं है और तेरा बेटा जो है ना मुंह फुला के पड़ा हुआ है, दोपहर से खाना भी नहीं खाया उसने, बस तू संभाल, उससे कुछ नहीं होता, थक गई मैं। इसमें इतनी देर हो गई है, मुझे तो डर लग रहा है शाहान ने ना पूरा घर ही सर पर उठा लिया होगा। शफक अब एक काम करो, बैठते नहीं है तो मुझे ड्रॉप कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन ना मुझे बहुत डर लग रहा है, अब ना चलते हैं, बहुत हो गया है। हादी बेटा, उठो मेरी जान, हादी उठ मेरे बेटे। बाबा। हाँ। अम्मी आ गई क्या? नहीं मेरे बच्चे, अम्मी तो अभी नहीं आई, लेकिन तुम मुझे बताओ तुमने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ दादी परेशान हो रही है इतनी। अम्मी ने कहा था मेरे लिए नूडल्स बनाएंगी, लेकिन दादू ने दाल ला कर दे दी, मुझे नहीं खानी दाल। अच्छा बोल मेरा शहजादा क्या खाएगा, मैं लेकर आता। मुझे बर्गर खाना है। बर्गर खाना है? चिकन या बीफ? चिकन। अभी लेकर आता मैं अपने बेटे के लिए, तुम उठ के मुंह तो धो लो यार। हाँ ओके। अल्लाह अंदर भी नहीं घुसा जा रहा शाहान। चलो चलो तुम्हें शॉपिंग दिखाती हूँ, सारी शॉपिंग करके लाई। अरे मैं खाना लेने जा रहा हूँ, आके देख। देख तो लो पहले। चलो तुम अंदर यार मैं। अच्छा चलो, इतनी तबीला ने भी देख लिया तो यार है ये वाला। क्या बात है उल्फत, बड़ी खुश नजर आ रही है। तू कब आई? बस अभी अभी। हाँ वाकई बहुत खुश हूँ, बैठना। तुझे पता है आज मैंने ना अपनी मर्जी की जिंदगी जी है, अपना ख्वाब पूरा कर लिया है। तुझे पता है इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने, अल्लाह मैं तो थकी गई, वो एसी वाले मॉल में गई थी, आज मैं सब पैसे किए हैं, और तो और रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाया, ऐसे चम्मच काटे से भी। लंबी वाली गाड़ी में बैठी हूँ, अल्लाह का मैं सुना ये सच्ची, मुझे तो आज ऐसा लगा था जैसे आज मैं सच्ची में जिंदा हूँ। हाय नूरी। हाँ पता है क्या, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या इन सारी खुशियों पे सिर्फ अमीरों का ही हक होता है। हाँ हम गरीब के ऐसे ही पैदा हो गए, ऐसे टीवी में ही देखें बस, गलत बात है, हम क्या सबसे सकने के लिए पैदा हुए हैं? ऐसे उल्फत मुझे ना तेरी किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है, अब तू अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की सारी खुशियां खरीद सकती है। क्या मतलब? अरे मतलब मतलब को छोड़ ना मेरी दोस्त, अभी तो अपनी मर्जी की वो जिंदगी जी जो शफक के साथ जी के आ रही है, और वादा करके इस चेहरे की खुशी कभी माननी पड़ेगी। वैसे इतना सारा सामान तूने खरीदा कैसे? मैं तो खरीदने से नहीं, सारे तोहफे हैं शफक ने दिलाए। हाय
अल्लाह, आजकल के दौर में कौन देता है इतने महंगे तोहफे? हाय सच्ची, जिसका इतना बड़ा दिल होता है ना वो दिला भी देता है। दिखाओ दिखाओ। खा। देखो मैंने क्या क्या लिया है। ये देखो, ये ना ये परफ्यूम लिया है। सूंघो इसकी फ्रेग्रेंस। उसने कहा था कपड़े धो भी दोगे ना तब भी नहीं निकलेगी। देखो ऐसा होता है। ये देखो ये देखो। उल्फत। हाँ जी। जब ये सब कुछ खत्म हो जाए ना तो खाना निकाल देना, मैं ले आया हूँ। बस बस आई आई। ये देख कितना अच्छा है। हाँ है ना भाई, मैं तो मना कर रही थी मत दिलाओ, उसे जबरदस्ती दिला दिया है। और ये देखो ये देखो उल्फत। ये देख के कितना सीना। उल्फत बात सुन, मैं ना ये चीजें सारी देख लूंगी, तू जाके शान भाई की बात सुन लो, कभी फटी पड़े तुझ पे। अच्छा चलो मैं ये रखती हूँ, लेकिन तुम ना कल याद से आ जाना। हाँ हा, दिखानी हा, मुझे सारी चीजें है ना, वरना अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। चलो मैं आती हूँ। आ रही हूँ भाई। अरे कह तो रही थी मैं भी आ रही हूँ, इतनी तो जल्दी है। मैं मुझे दिमाग ले जाऊँ। ये मैं लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें फुर्सत मिले ना तो ये परहेजी खाना पड़ा है अम्मा के लिए ले जाना। भाई ये देखे, ये भी है, ये सब का सब शपक ने दिलाया है। एक चीज दिखाती हूँ, ये देखें, ये कितना प्यारा है ना। हाँ ये देखें, तो मुझ पर सूट भी करता है। शफा कह रही थी तुम पे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखे अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा। क्या हुआ, देखें तो सही। नाराज हैं क्या? नहीं भाई नाराज नहीं हूँ, और मुझे नींद आ रही है, प्लीज लाइट ऑफ कर देना। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, एक दिन अपनी मर्जी से क्या गुजार लिया किसी को अच्छा ही नहीं लगा। ठीक है बाबा, नहीं जाऊंगी आइंदा से। अपनी मर्जी से क्या चली गई, जुर्मी हो क्या? अरे मैं कोई नाराज नहीं है तुमसे, ऐसा क्यों सोच रही हो? तो क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं इतने गुस्से में? देखो उल्फत, मैं जब ऑफिस से घर आता हूँ ना तो सबसे पहले तुम्हारी शक्ल देखने की आदत है मुझे, लेकिन तुम थे ही नहीं। अम्मा मालिक परेशान बैठी थी और हादी में मुंह फुला कर बैठा था। तुम नहीं होती तो घर घर नहीं लगता यार, सब कुछ अजीब बेईमानी सा लगता है। हाँ तो कौन सा महीनों के लिए चली गई थी, चंद घंटों के लिए तो गई थी, और कौन सा पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही चली गई थी? वो शफक भी तो है, वो भी तो पूरी दुनिया में घूमती फिरती है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। बस नहीं, जोर चलेगा तो सबका हम पे ही चलेगा। उल्फत, शफक के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर इस पूरे घर की जिम्मेदारी है यार। शफक अगर कहीं चली भी जाना तो उसके नौकर चाकर संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तुम यहां से चले जाओ तो सारा निजाम धर्म भरम होकर रह जाता। तुम जो हो ना हमारे घर की न्यूक्लियस हो। क्या हो? इस घर का मरकज हो, तुम्हारे बगैर घर दड़बा बन जाता। आप भी ना पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। हाँ तो सही तो कह रहा हूँ यार, अभी खुद ही देख लो चंद घंटों में क्या हाल हो गया था। हाँ लग ही नहीं रहा था कि ये वो घर है जिसको उल्फत ने अपने हाथ से एक प्यारी सी जन्नत बनाई, तुम्हारे बगैर ये घर जहन्नुम बन जाता। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगी आज के बाद से। फल्ला आपने तो बैठे बैठे क्या नक्शा खींच दिए। ये बात तुम्हारी मुझे सबसे अच्छी लगती है, फौरन मान जाती। अब मान गई हूँ ना, अब दिखा दो। दिखा दो भाई, दिखाए बगैर कहाँ चैन पाओगी तुम। ये देखो कितना प्यारा है, फिर उन्हें तो यहाँ पहन के दिखाओ। वाह वाह, नाज़माबाद की रानी लग रही है ना। और ये देखो
ये देखो ये सूट तो मैंने देखते ही सोचा था ये मैं ले लूंगी और मैंने ले लिया। अच्छा क्या ना मैं कोई बॉडी से दावत होगी ना उसमें पहनूंगी। प्यारा है ना जान। नाश्ता कर लें उठ जाए। क्या बात है आज आप सो रही हैं? क्या बात है वैसे तो नमाज के बाद आप कभी नहीं सोते। मेरी छोड़ तू मुझे ये बता कि तू इतना क्यों चहक रही है सुबह ही सुबह। मैं इसलिए क्योंकि आज मेरा दिल बहुत खुश है। क्यों कोई खजाना मिल गया क्या है? ये प्राइस बॉन्ड निकल आया। आई लव प्राइस बॉन्ड का हमारी इतनी चीज किस्मत कहाँ है। ये चप्पल कहाँ गई मेरी? आपको पता है कल तो ना बहुत ही मजा आया। अभी आई इतनी लंबी सी गाड़ी में बैठी उसके बाद हम मॉल गए फिर वहां से हमने इतनी ढेर सारी शॉपिंग की उसके बाद पता है हम होटल भी गए थे खाना खाने के लिए। अच्छा तो मजा आया। तू तो पागल हो गई लगता है। ला तौलिया तो दे। तू उसमें पागल वाली क्या बात है? पागल होने वाली बात ये है कि उससे ज्यादा दोस्ती ना बढ़ा तू बस कह दिया। क्यों खाला इतनी अच्छी तो है। अच्छी तो है लेकिन अमीर भी बहुत है ना। देख बेटा अमीरों के बहुत सारे मसले होते हैं अगर तू उनमें से किसी एक में भी फंस गई ना तो निकल नहीं पाएगी। याद रखना मेरी बात। हाँ क्या जा देख कोई आया। इस वक्त कौन आ गया? आ रही हूँ भाई। शफ़क़ का ड्राइवर आया मुझे लेने के लिए। तो ये कि आंटी क्या ये मेरे साथ थोड़ी देर के लिए जा सकती है? अरे कमाई सरप्राइज। अच्छा सरप्राइज है ना मैं तो देखा ही नहीं। आंटी क्या उल्फत मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती है? बेटा तुम इतनी दूर से आई हो तो ले जाओ। ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। आंटी आपकी बहू इतनी अच्छी है उल्फत के आने के बाद तो बस मेरा अपने घर में दिल ही नहीं लगता। बहुत सुना लगता है उल्फत तो मेरे लिए बहुत अहम हो गई है। मेरी उल्फत तो है ही बहुत अच्छी पर बेटा अपने घर में तो दिल लगाना पड़ता है ना। दूसरों का साथ तो वक्त ही होता है। अब देखो यहाँ पे हादी एक लम्हे के लिए नहीं रहता उल्फत के बगैर और मेरा शाहान वो तो बस उसको देख देख के जीता है। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे जिंदगी दे सेहत दे मेरी बच्ची का सुहाग हमेशा कायम रहे। आमीन। वो चाय तो पी लो। नहीं नहीं आपका पसंद आया? परफ्यूम? अच्छा है। खुशबू कितनी अच्छी है। बात सही है तुम्हारा। अरे नहीं नहीं मैं इसलिए थोड़ी तारीफ कर रही थी। नहीं नहीं मैं नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? दोस्त बन के दे रही हूँ मैं। वो क्या है ना उल्फत अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। जिंदगी की हर सहूलत है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं लेकिन मुझे रिश्तों से हमेशा महरूम रखा है। बचपन में ही अम्मी चली गई ना भाई ना बहन बहुत महरूमी और अकेलापन है मेरे दिल में लेकिन जब से तुम आई हो ना मुझे ऐसा लगता है कि
अल्लाह को मुझ पे तरस आ गया, मुझे नए नए रिश्तों से नवाज रहे हैं। शफ़क, पता है खाला कहती हैं कि जब ऊपर वाला नवाजने पे आता है ना, तो इंसान को वो भी देते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। तुम देखना, तुम्हारी ना सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। और ख्वाहिश? चल, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम अपने पर्स में रख लेना। अरे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा रखो, मेरी तरफ से तोहफा। तुमने इतने मोहब्बत से दिया है ना कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। थैंक यू। तुम्हारे लिए ये नया फोन मेरे लिए? हाँ। हेला, लेकिन क्यों? तुमने खुद ही तो कहा था तुम्हारा फोन पता नहीं आवाज नहीं आती, कैमरा खोलो। हाँ खोलो। ये तो आपकी गाड़ी की तरह चमक रहा है। कैमरा देख, पिक्चर ले। हाँ ले लो। ऐसा लग रहा है असली में खड़े हुए हम लोग। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू चप्पल। तुमने ना ही सिर्फ मुझे बहन समझा बल्कि निभाया भी है। और एक मैं हूँ, मुझे देखो खाली हाथ। बदले में क्या दूँ, कुछ दे भी नहीं सकती। तुम तो इमोशनल हो गए, इधर आओ, आके बैठो। मैं ना तुम्हें गाना सुनाती हूँ कि तुम्हें पता चले किसके गाने। अभी लगाती हूँ, कान में डालो। बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं है। हमारे पास एक बहुत कीमती चीज है, वही कीमती चीज जो तुम अब मुझे देने वाली हो, है ना? मेरी खुशियां तुम्हारे हाथ में, मेरे हिस्से की बारिश जो तुम्हारे हिस्से में चली गई थी, तो तुम खुद अपनी रजामंदी से मेरे दामन में डालोगी, है ना? डालोगी ना, दोगी ना मुझे खुशी? सुन रही हो ना मेरी बात? कुछ कह रही हो? वादा मांग रही हो तुमसे। बहुत अच्छा। क्या क्या कुछ कह रही हो? सॉरी यार। मानोगी ना मेरी बात? हाँ हाँ, सब मानूंगी, सब कुछ। खुश? अब सुन लो। वक्त आने दो, सुनोगी भी और मानोगी भी कुछ दिन बाद। सुनने? तुम्हें भी सुनना होगा ना। लो सुना। लो चला। क्या फिर चली गई? अरे तो आप रोकती तो सही अम्मा। अच्छा, अगर आ गई थी शफक तो आप मना कर देती? देख रही हूँ। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो गई है? हाँ, एक बज रहे। हाय अल्लाह, हादी स्कूल से भी आ गया होगा, उसको लेने भी जाना है। मैं तो निकलती हूँ। थोड़ी देर में चली जाना और चलो चाय पीते हैं। क्रॉकरी का बहुत शौक है ना? बहुत। मुझे तो लगता है हर औरत को ही होता है। लेकिन हर औरत ये शौक पूरा नहीं कर सकती। हाँ सही बात है।
चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी है। सच बताऊं तो इतने अच्छे कप में कोई चाय पिए तो कैसी भी चाय हो जायका अच्छा लगता ही है। बात तो असल चाय बनाने वाले की होती है, फिर चाहे मिट्टी का प्याला हो या महंगा तरीन टी सर, चाय अच्छी लगती है। बिल्कुल इंसान की तरह, बाहर से जैसे भी दिखता हो अगर उसका दिल अच्छा है तो हर किसी को खूबसूरत लगता है। आपके पास सब कुछ है ना, इसलिए आप ऐसे कह रही। हमसे पूछिए ना, जो सारा सारा महीना इंतजार करता है महीना खत्म होने का। जब महीना खत्म होने के बाद इंतजार के प्याले में आप चाय पीते हैं ना, तो कितना भी अच्छा जायका हो कड़वा ही लगता है। सही कहा तुमने उल्फत, हर चीज ही तो है मेरे पास, दुनिया की हर चीज। जब चाहूं जो चाहूं खरीद सकती हूँ और जब दिल भर जाए घर से ठाके फेंक भी सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे पास जो है ना, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। इतनी कीमती चीज जिसका कोई मोल नहीं है। मेरे पास मेरे पास ऐसा क्या है? शायद तुम्हारी नजर में इतनी कीमती चीज ना हो, लेकिन मेरी नजर से देखोगी तो उससे बढ़कर भी कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा भी क्या है जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता? मैं तुम्हें कहूं कि मुझसे जो चाहे ले लो और बदले में मुझे वो चीज दे दो, तो क्या तुम दे दोगी? जाहिर सी बात है शफक, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, लेकिन मुझे भी तो पता लगे कि भला मेरे पास ऐसा क्या है जो आपको दे सकती हूँ। शान, कौन? तुम्हारा शोहर शान। उल्फत, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरी सारी दौलत तुम ले लो, वो सारे ख्वाब पूरे कर सकते हो तो जो तुम इतने अरसे से देखती आ रही हो। बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए तुमसे, शान। क्यों, क्या बात है उल्फत, चुप क्यों हो? कुछ कुछ बोलो ना। ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है शफक? अरे लगता है मैं इतनी बड़ी बात मजाक में कहूंगी? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, हर चीज दे दूंगी मैं तुम्हें, लेकिन बस मुझे शहान दे दो तुम। हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी दोस्त हो, मेरी हर बात मानोगी ना, तुम कहा था ना तुमने, तो बोलो दोगी ना तुम मुझे? दिमाग तो ठीक है, क्या बोले जा रही हो? काम डाउन उल्फत, आराम से बैठो, आराम से बैठो। तुम आराम से जब बैठ के सोचोगे ना, पता चलेगा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हें वो सब चीजें मिल जाएंगी जो तुम चाहती हो, जिनका तुमने ख्वाब देखा है। अरे लानत भेजती मैं तुम्हारी दौलत पे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शाहान के बारे में बात करने की? हाँ, शाहान मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा गुरूर भी है। उससे मेरे गुरूर का सौदा करना चाहती हो? बहुत घटिया सोच है तुम्हारी। तो अच्छा, तुम्हारी दोस्ती के पीछे ये प्लान था, इसलिए इतनी मेहरबानी की जा रही थी मेरे ऊपर? हाँ, तुपे तुम पे भी, तुम्हारी दोस्ती पे भी। हटो पीछे उल्फत, उल्फत। और आइंदा मेरे शान के बारे में ख्वाब में भी सोचा ना, तो मैं भूल जाऊंगी तुम्हारी क्या हैसियत है। उल्फत, उल्फत, उल्फत प्लीज गाड़ी में आके बैठ जा। उल्फत
उल्फत तुम ये क्या कर रही हो, सड़क पे अकेले चल रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? उल्फत गाड़ी रोके, एक मिनट गाड़ी रोके। उल्फत उल्फत प्लीज गाड़ी में बैठ जा, मैं तुम्हें अगवा नहीं करने वाली, वरना मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रोड पे चलती रहूंगी। प्लीज चलो। तुम खामोश होगी क्या हुआ है? घर आके बात करूंगी, मैंने कहा ना घर आके बात करूंगी। रखो फोन। इतनी बड़ी बात कह दी, जरा शर्म नहीं आई? भला कोई किसी की बीवी से भी ऐसी बात करता है? और शक्ल देखो, जरा शर्मिंदगी नहीं है? ये नहीं कि इंसान माजरत ही कर ले, सॉरी कह दे, लेकिन नहीं, डिटाई से खड़ी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या पागल हूं मैं कि मैं बोलने जा रही हूं तुम खामोश खड़ी हो? उल्फत तुम्हारा मसला क्या है? तुमने ही अभी दो मिनट पहले मुझे कहा था कि कुछ मत बोलना। अरे तुम्हें ऐसा क्या बोल दिया कि तुम ऐसा तमाशा क्रिएट कर रही हो रोड पे खड़े हुए? वावेला मचाया हुआ है। मैंने दोस्ती के नाते तुमसे अपनी फीलिंग शेयर की है उल्फत, क्या ये मेरी गलती है कि जिस लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई है वो भी इतनी शदीद, वो तुम्हारा शौहर है? तुम्हें लगता है ये मैंने जान के किया है अपने साथ? अगर मैं चाहती थी तो मैं शाहान को खुद जाके सब कुछ कह देती, शायद वो मेरे कहने पे तुम्हें छोड़ देता। अलविदा।